नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनोज धाकड़ ग्राम गावरी तहसील रावगढ़ का किसान रहने वाला किसान हूँ। मैं आज आपको बीज उपचार की विधि बताता हूँ। सबसे पहले हम बीज उपचार करने के लिए मास्क पहनेंगे। इसके बाद हम ग्लव्स पहनेंगे। ये कार्मल है, इसके अंदर कार्बन डाइजिम 12%, मैनकोजेब 63% का मिश्रण है और इसे हम 3 ग्राम दवाई को 1 किलो सोयाबीन बीज के हिसाब से मिलाएंगे। ये 3 ग्राम दवाई है, ये 1 किलो सोयाबीन है। इसमें हम थोड़ा पानी छिड़क लेंगे जिससे कि दवाई पूरी तरह मिल जाए। अब इसमें हम दवाई डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे जिससे दवाई की परत सोयाबीन के ऊपर अच्छे से मिल जाए। अब बीज में दवाई अच्छी तरह मिल गई है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छांव में रख देते हैं। दूसरा फ़ायदा, जब हम सोयाबीन बोते हैं तो बहुत से दाने, जैसे ही हमारी सोयाबीन फूलती है तो बहुत से दाने फूलने के बाद सड़ने लगते हैं। उनकी रोकथाम के लिए जो कार्मल दवाई में जो तत्व होता है कार्बंडोजिम, वो सड़ने से रोकता है। और इस दवाई में एक और तत्व रहता है मैनकोजेब, वो दोनों तत्व आगे बहुत से रोग आते हैं जैसे कि जड़ सड़न और पीलापन सोयाबीन में, तो उनकी रोगों की रोकथाम के लिए ये दोनों दवाई सहायक होती हैं। किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सोयाबीन बोने से पहले बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बीज उपचार के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसलिए आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि बग़ैर बीज उपचार किए सोयाबीन कभी ना बोएँ, ताकि हमें बहुत से रोगों की रोकथाम हो जाए और अपनी जो पैदावार है वो अच्छी तरह निकले। धन्यवाद।